अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे पड़ोस में एक घर करते थे मामू अब्दुल अजीज से, तो हम सभी मामू घर करते थे उनको, उनकी डेथ हो गई है। तो अब कब्रिस्तान जा रहे हैं, मेट्रो से नॉर्थ कराची वाले कब्रिस्तान जा रहे हैं। तो सोचा कि थोड़ा सा उनकी याद में जो आखिरी लम्हात हैं उन्हें कैप्चर कर लिया जाए। यहाँ मेरे दोस्त के बड़े भाई भी यहाँ दफन है, गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर का कब्रिस्तान है ये, और आगे मेवाशाह कब्रिस्तान लगता है। अच्छा यहाँ, अच्छा ऑलरेडी जनाजा आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है। जब मैं यहाँ पे आया हूँ इस कब्रिस्तान में, तो देख रहा हूँ जनाजे ही जनाजे हैं, ये एक जनाजा नहीं है, यहाँ पे चार पांच जनाजे आए हैं। मामू को दफनाए जा रहे हैं। अभी ये वाहिद कब्रिस्तान रह गया है कराची का, जो जहाँ पे बहुत जगह है, अभी स्पेस है काफ़ी, और काफ़ी वीराना है अभी ये, वरना ये के जैसे ये बराबर वाला है, ये इधर से है और यहाँ जगह है बस सामने, यहाँ दिखाई देती है। और तदफीन हो चुकी है मामू की, वहाँ पे बस खड़ी है, बस खड़ी है। सब रवानगी है, अब ये सामने बस है, इसमें बैठ के चले जाएंगे। बस ये कहना चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का कोई भी वक्त है वो मुकर्रर है, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, और सफ़र आखरत जो है वो कभी भी शुरू हो सकता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं पता, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन है। और ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार के सफ़र करते करते एक दिन सबने चले जाना है, और इस बस में बैठ के फिर यहाँ पे ये सफ़र आखिरत, और फिर हमेशा आलम अरवा है, कब्र का सफ़र है, आलम अरवा है, क्या है ये, हम जिंदा इंसानों ने तो पता ही नहीं देखा, लेकिन ये कर सकते हैं हम के पंच वक्त नमाज, ज़िक्र इलाही, कुरान शरीफ, और हुस्न सलूक, हुस्न माशरत, ये चीज़ें जो हैं हमारे अच्छे अमाल बनाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ हमारे मामू रहते हैं, और ये बराबर में यहाँ पर मेरा घर है।